हमारे राजस्थान के गांव के बेर, ये हमारी कबिया तोड़ के लाई है, और ये बोर की लड़ाई, जैसे बोर की लड़ाई होती है। ये देखिए, ये कबिया ने बोर गिरा दिए, कोई किसी ने बोर नहीं लिए, मगर कबिया रो रही है। आज हम आपको इस ब्लॉग में बताएंगे किस तरह से, कितने तरह के बोर हैं यहाँ पे, देखिए। यह है बेड का पेड़, इसमें जो अंतर है वो यह है कि इसकी बोर अभी पकी नहीं है, और आपको दिखाऊंगा कि किन बेड की कौन सी किस्म के बेर पक चुके हैं। अभी इसके बेर हैं हरे हरे, देखिए पास से, इनको पकने में महीना 15-20 दिन लगेगा। बाकी आपको और भी पेड़ दिखाऊंगा, काफ़ी सारी बेड़ियाँ हैं यहाँ पे, उनकी अलग अलग किस्म है। ये सारी चीज़ें आपको इस आगे चल के पता लगेगी। और अब हम चल पड़े हैं बोरिए लेने, जी हाँ, जिसको बेर बोलते हैं, बोर बोलते हैं। ये तो हमारी टीम, ये पीछे लग गया है, ये हमारा दोस्त है, ये दोस्त है, ये भैया दोस्त है हमारा, अब लक्ष्य घर जा रहे हैं, वहाँ से बोर खाएंगे। ये हमारी कबिया आ गई, इसके हाथ में बोर है, ये हमें दे नहीं रही। देखिए इधर सरसों की कटाई हो रही है, ये हम है, ये हमारा है, ये हम है, सारे बच्चे मस्ती करते हुए चल रहे हैं। ये सूरज है का पेड़ वो है, और हम ये मस्ती करते हुए जा रहे हैं दोनों। देखिए इनकी फाइटिंग हो रही है, ये देखो वापस लड़ते हुए जा रहे हैं, गंदी बात है। बेटा बोल नहीं दूंगा अगर तुम यूं लड़ोगे तो। सूरज इनका इलाज कर, सारे बच्चे, एक बच्ची और बढ़ गई है, 5 जने बोट की टीम। ये देखिए बच्चे बेर तोड़ के इकट्ठे करते हुए, सूरज बोर चुग, उसने चुग लिया, गणेश तूने, उसने गणेश से चुग लिया, ला दिया तू। देखिए कितने मस्ती से बच्चे बेर चुगते हैं, लड़ते हुए हैं, देखिए बहुत मजा आता है इन बच्चों के साथ मस्ती करते हुए। नहीं जी हाँ, ये बोर का पेड़ है, और लगभग हर घर में बोर का पेड़ देखने को मिल ही जाता है, ये अपने आप में बहुत गुणकारी भी है। देखिए बच्चे भाग के जाते हैं बोर तोड़ने, ये देखिए बोर का पेड़, और इस पर कितने अच्छे बोर आ रहे हैं, और देखेंगे बोर नीचे गिरते हैं। ये देखिए काफ़ी लाल लाल, लगभग बोर पक चुके हैं यहाँ के, देखो बोर ही बोर चारों तरफ। इधर हमारे भाई भी बोर तोड़ते हुए, और हम भी बोर तोड़ेंगे, छोड़ छोड़ छोड़, आपको दिखाते हैं बोर तोड़ के, जी हाँ डायरेक्ट, कितना सुंदर, एकदम सेव जैसा, टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा। बच्चे कितना अच्छे, कितने टेस्टी, जी हाँ जो बोर खाते हैं उनको पता है बोर कितने टेस्टी होते हैं। आगे दिखाएंगे, ये जी दूसरी बेड़ी है,
इसमें पेड़ भरे हुए हैं। और बच्चे देखिए थैलियों में बोर उठा रहे हैं। ये देखिए धनिया, जी हाँ धनिया को सुखाया जाएगा, फिर जो धनिया जो सब्जी में काम आता है। ये छोटी बेड़ी, पहले आपको एक किस्म दिखाई थी, अब ये दूसरी ये बोर की किस्म। इसमें बोर की साइज़ काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, देखें और अंदाज़ा लगाएं। ये देखिए अलग अलग किस्म के बोर, अलग अलग बेड़ी के, ये भी लगभग भरी हुई है। काफ़ी अच्छे काफ़ी मीठे बोर होते हैं, इसको फैमिली बोर भी कहते हैं। एक बेड़ी ये दिखाते हैं, ये अलग किस्म है, इसके पेड़ अभी पके नहीं हैं, हरे हरे हैं, तो इनको भी टाइम लगेगा, एक महीने का लगभग टाइम। उसके बाद ये बेर देखें, तीन तरह की किस्में मैं आपको बता चुका हूँ, अलग अलग तरह के। एक छोटे बोर आते हैं, वो लगभग सभी लोग जानते हैं। उसके अलावा ये तीन तरह के बेर जो हमारे यहाँ होते हैं।